हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम कन्हैया कैसेट सिटी स्टूडियो प्रतापपुर में आप सबका हार्दिक स्वागत। और खास तौर से मैं स्वागत करता हूं किसका? बिल्कुल सही कहा, आपकी जुबान पर वो नाम है, यानी दीपक सेठ। दोस्तों, दीपक सेठ की शादी हो चुकी है और माशाल्लाह इनके बच्चे बड़े बड़े हैं, लेकिन मुझे अपनी शादी की प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक मैंने शादी नहीं करी, बिल्कुल पक्का कह रहा हूँ। शादी, अगर आपको कोई चीज़ बदलना है तो अभी बदल दो, क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई तो आप अपने घर का टीवी चैनल भी नहीं बदल सकते। अच्छा, आपको पता है इस दुनिया में ऐसा कौन सा जख्म है जिसमें चोट के पहले हल्दी लगाई जाती है? कौन सा? बिल्कुल सही शर्मा जी, आपने सही कहा, शादी। शादी ऐसी चीज है जब इंसान की खुशियों का घड़ा भर जाता है तो उसकी शादी कर दी जाती है। और शादी बड़ी अजीब और अजीब चीज है। एक जमाना था कि हमारे घर में जब शादियां होती थी तो हमारे घर के जो बुजुर्ग थे वो मूछों पे ताव दे के आगे चला करते थे। आज हमारे पोते की शादी है, आज हमारे नवासे की शादी है, बुजुर्ग आज भी शादी में चलते हैं, लेकिन सारे बुड्ढे जनरेटर के पीछे, दक 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 दक, सब बुड्ढे पीछे। एक जमाना था घर में हमारे बुजुर्ग खांसते थे, बहुएं अंदर हो जाती थी। आज जमाना चेंज है, आज बहुएं खांसती, बुड्ढे अंदर। जमाना बहुत चेंज हो गया। जमाना अगर ऐसे ही चेंज होता रहा तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, शादी के तरीके, शादी के हालात। और मैंने सोचा है अगर शादी इसी तरह से होती रही तो आने वाले वक्त में 10 साल बाद मेकअप करने का तरीका बदल जाएगा। कभी अकबर बादशाह ने नहीं सोचा था हेलीकॉप्टर बनेगा, प्लेन बनेगा, ये सारी चीजें बनी। मैंने सोचा है कि अगर आने वाले वक्त में 10 साल बाद जितना भी मेकअप है हमारी लेडीज का वो अगर इलेक्ट्रिक हो जाए तो क्या होगा, सोचिए। आप लोग हंस रहे हैं, बिल्कुल हकीकत सोचिए। एक झालर वाला बल्फिस्तान में होगा, एक बल्फिस्तान में होगा, माथे पे लंबी सी ट्यूबलाइट लटकी होगी, हर लेडी के पीछे छोटा सा जनरेटर चलेगा, दुक 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 दुक। पता पड़ा दिलीप भाई क्या कर रहे हैं, उसमें डीजल दे रहे हैं, जिसका डीजल खत्म धक्का लगा के नाली के। शादी में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, दूल्हा हनीमून वाले कमरे में नहीं जा रहा, सभी भाभी करी ए जाना जाना, पहले कहता था शादी करा दी शादी करा दी, अब शादी करा दी जा ही नहीं रहा, जाना। दुल्हन इलेक्ट्रिक मेकअप किए बैठे, जैसे ही दूल्हा अंदर पहुंचा एकदम से बाहर, कहने भाभी आज तो मरते मरते बचा। क्यों, क्या हुआ? किसी ने डायरेक्ट कर दी, तीनों फेस आ रहे। तो बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें, आप लोग हंस रहे हैं लेकिन हकीकत है, सोच के देखिए। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे जूड़ा नहीं बांधेंगे लोग, यहाँ जूड़ा नहीं होगा, यहाँ लंबे से मीटर लगे होंगे। और सबसे ज्यादा टेंशन होगी हमारे दीपक सेठ को, भाई देखिए लाइटें जल गई, अब तो आपको शुरू करना पड़ेगा, अब आपको देखिए आप दिक्कत हो गई है, ठीक है, और बिल बहुत आया था, बिल बहुत आएगा, बड़े बड़े नाटक होंगे, सोचने वाली बात है। अच्छा, मैंने ये चीज 2 साल बाद 3 साल बाद ऐसा भी होगा कि हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो दादा हैं, नाना हैं, जो 60 साल के ऊपर हो चुके हैं, वो आने वाले वक्त में गैस से चलेंगे। सपोज दैट, सोच के चलिए, अगर हमारे घर के बुजुर्ग गैस से चले तो क्या होगा? पहले हम सिलेंडर को चादर में लपेट के ले जाते थे गैस भरवाने, अब हम दादा को लपेटेंगे, उसमें से पीछे कह देंगे दीपक सर भाई थूक लगा के चेक कर लेना जरा, दादा लीक कर रहे थे, और अगर कोई दिक्कत हो तो इनको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करवा दो, इनके वासर कट गए। बेटा वेल्डिंग नहीं करवाना, नहीं हम वहीं फट जाएंगे। ले चलो, अब दादा को ले गए गैस भरवाने, लड़के को सिगरेट पीना था, कहना भाई मैं सिगरेट पी के आ रहा हूँ, आप गैस भरिए, थोड़ा सा देख लेना, पिछले बार गैस कम निकली थी, पानी ज़्यादा भरा था। कहना नहीं, आपने मूली के पराठे खिला दिए थे इसलिए गैस कम हो गई। बेटा जल्दी तुम सिगरेट पी के आओ। लड़का सिगरेट पी के बाहर आए, कहना हमारे पिताजी कहाँ हैं? कहना भाई साहब 2 पॉइंट ज़्यादा हो गई, वो टहल लें, आधा घंटे रुको, अपने आप नीचे आ जाएंगे। लड़का गैस भरवा के घर पहुंचा, घर पे जैसे ही पहुंचा बच्चे के लड़के दादा जी आ गए। अरे गैस हमारी भरी है, तुम क्यों खुश हो रहा बदतमीज हो, नालायक को बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हारे चक्कर में गैस खत्म हो गई हमारी, बार बार हंसवा देते हो, कभी मूली के पराठे कभी कुछ। नहीं दादाजी आ गए, तुम क्यों खुश हो रहे हो? नहीं दादाजी, हमने पापा से कहा कि हमको पिकनिक ले चलो, तो पापा बोल रहे पेट्रोल पंप की हड़ताल चल रही है, पेट्रोल नहीं है।
उससे मैं क्या करूं? नहीं दादाजी, आपका सिलेंडर अभी अभी फुल हुआ है। हाँ हाँ, 30 किलोमीटर तो आपका सिलेंडर चला जाएगा। 200-250 का एवरेज दे रहा है आप, जल्दी से आड़ा कर लो मम्मी, दादा को आड़ा कर लो, 250 किलोमीटर का एवरेज दे रहा है। बदतमीज हो, तो आने वाले वक्त में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। अच्छा मोबाइल, सोच के चलिए, अगर मोबाइल आदमी की बॉडी जो है मोबाइल की तरह हो जाए, बिल्कुल आदमी मोबाइल की तरह चलने लगे, तो क्या होगा? हनीमून में बड़ी दिक्कतें आएंगी। दूल्हा दुल्हन दोनों आपस में बैठे हैं, बात ही नहीं कर रहे। दूल्हा कह रहा है, क्या बात है, शादी के पहले तो बड़ी बात करती थी, आजकल बात नहीं कर रही हो, क्या बात है? के लिए कुछ नहीं जी, जो भी करना घर चल के करेंगे, यहाँ पे रोमिंग कट रही है। तो बड़ी अजीब अजीब बातें हो जाती हैं। और ये जमाना, मॉडर्न जमाना किस तरह से आगे बढ़ रहा है। शादियों में आपने देखा होगा, शादियों की बात कर रहा था, वो शादी पे खत्म करता हूँ। शादियों में आपने देखा होगा डांस होता है, नागिन डांस, अजीब अजीब तरह के डांस होते हैं। एक लड़का डांस कर रहा है नागिन, टिल्लू राजा बड़े परेशान। मैंने कहा टिल्लू भाई, वो नागिन डांस कर रहा है, तुम क्यों परेशान? अरे किल्ले सफेद रंग का कोट पहने आशू भाई, कितनी दिक्कत, कैसे लोट लोट के डांस कर ले? हमने कहा तुम्हें क्या परेशानी हो रही? अबे किल्ले कुछ हमें तो परेशानी क्या बात है यार, कोट तो हम पहने, वो लगे लगे डांस कर रहे, लगे नागिन नागिन। अच्छा टिल्लू राजा से मुझे याद आया, बड़ी अजीब बात करते हैं। एक बार जगजीत सिंह साहब जब वो हयात थे, जिंदा थे, उनकी गजलें चल रही थी और जगजीत सिंह साहब गजल गा रहे थे। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। क्या बात है यार, जगजीत भाई बहुत बढ़िया गाते, बहुत गजब गाते, मुंह से गाते, बहुत बढ़िया गा रहे, सॉलिड। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, बहुत बढ़िया यार भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा गजल सिंगर में एक खास बात होती है, उसकी कोई तारीफ कर दे तो उसी की तरफ हारमोनियम पेटी और भारी आवाज में, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, 3-4 बार का ये दौलत, ये शोहरत। टिल्लू राजा परेशान, अबे कहले बहुत परेशान है ये जगजीत सिंह, इसकी औरत भी ले लो।